माय यूट्यूब फैमिली राधे राधे, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हम उज्जैन के महाकालेश्वर महाकाल के मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कॉरिडोर है, मतलब रोड से जहाँ पे हमारी गाड़ी की पार्किंग होती है ना, उससे कॉरिडोर बना हुआ है। तो मतलब काफ़ी चलना पड़ता है। तो देखिए, वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। हम मतलब शब्दों में आपको नहीं बता सकते क्या अद्भुत नज़ारा था, क्या अद्भुत प्रदर्शन था, आपको हम बता ही नहीं सकते कि जिस चीज़ की हमने कभी कल्पना नहीं की हो और वो चीज़ हमें उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए। हमने तो सिर्फ महाकाल के दर्शन के लिए सोचे थे और ओमकारेश्वर और महाकाल दोनों के दर्शन मिल गए तो हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। तो देख सकते हैं कितना मतलब बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बना हुआ है। अगर आप लोगों को कभी जाने का मौका मिला, भोलेनाथ ने बुलाया, तो आप लोग खुद देखेंगे बहुत ही अच्छा वहाँ का कॉरिडोर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारी छोटी बुआ, बड़ी बुआ, भाभी, भाभी की मम्मी और बुआ जी हैं और बाबा हैं, मतलब जिनके हम लोग रुके हुए थे, तो वही हमें लेके गई हुई थी। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है और लगभग हम लोग मतलब मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ कॉरिडोर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से वीडियो वगैरह मोबाइल ले जाना मतलब होता है कि आप मोबाइल ले जा सकते हैं। लेकिन जो अंदर मतलब जहाँ हमारे महाकालेश्वर विराजमान है, गर्भ गुफा है, वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। लेकिन शायद भगवान भी यही चाहते थे कि उनका जो दिव्य आरती है, उनका दिव्य दर्शन है, आप लोगों को तक पहुँचे, इसीलिए शायद भगवान ने मतलब ऐसा किया। तो क्या हुआ हमारे साथ, हम लोग जैसे ही मतलब वहाँ पे कॉरिडोर पार करके मंदिर के अंदर पहुँचे, तो ये था कि मोबाइल जमा हो रहे थे, लॉकर में मोबाइल रखे जा रहे थे, वहाँ हम लोगों को रसीद मिल रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी मोबाइल जमा करने की, तो हम मोबाइल वाली लाइन में लगे हुए थे। तब तक वहाँ से गार्ड वगैरह आए, बोले आरती शुरू होने वाली है, आप लोग जल्दी जाइए, नहीं तो आप लोगों को दर्शन नहीं मिलेंगे। तो बस उसी भगदड़ में बहुत लोग, काफ़ी लोग मतलब मोबाइल लेके अंदर चले गए। तो वो हमने थोड़ी सी महाकाल की, महाकालेश्वर की छवि आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो उसके लिए मतलब हम पूरा वीडियो तो नहीं बना पाए, बस कॉरिडोर का आप लोगों को दिखा रहे। देखिए, ये भोलेनाथ यहाँ पे किसी का संहार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और मेरी बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबीयत ख़राब थी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमें गाड़ी मतलब बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। फिर भी मतलब हमने छोटी छोटी मतलब क्लिप बना के आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। और इतना अच्छा था कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हम लोगों को, और वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मतलब वहाँ से हम लोग निकलें। लेकिन क्या है, काफ़ी मतलब दूर बुआ जी का घर है, तो इसलिए घर भी वापस आना था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी ही मतलब बस दर्शन किए। ये समझिए कि हम लोग मतलब सोचा नहीं था, क्योंकि ओमकारेश्वर में क्या हुआ था ना, बस हम लोगों ने ज़रा सा शिवलिंग छुई, मतलब हाथों से स्पर्श किया और मतलब बस वहाँ पे जल छिड़का जाता है, वो हम लोगों तक जल पहुँचा और जल्दी से दर्शन करके वहाँ धक्का दे के निकाल रहे थे बाहर। तो हम लोगों ने ये सोचा था ना कि ऐसे ही महाकालेश्वर में, क्योंकि हम पहली बार गए हुए थे, बुआ जी भी पहली बार गई हुई थी हमारी, मतलब दोनों बुआ और भाभी भी, तो हम लोगों को मालूम नहीं था। तो हम लोग यही सोचे थे ना कि वहाँ भी ऐसे ही होगा, लेकिन मतलब कुछ ऐसी प्रभु की कृपा रही, ऐसा हम लोगों का भाग्य धन था, मतलब भाग्य अच्छा था, और हम लोग मतलब दर्शन करके धन हो गए कि हम लोगों को 10 से 20 मिनट वहाँ पर मतलब खड़ा होने का मौका मिला। सिंगार उनका मतलब देखा और उनकी भव्य आरती भी हम लोगों ने मतलब देखने का मौका मिला, भले ही दूर से, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी ही झलक दिख रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा ही तादाद में थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप देख सकते हैं ये कॉरिडोर पे झांकियाँ, बहुत ही अद्भुत झांकियाँ बनी हुई थी, जो कि मतलब मन को बिल्कुल मोह रही थी, मन को मतलब मन में मतलब हम आपको क्या बताएं, कुछ मतलब इन चीज़ों के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि हम प्रशंसा नहीं कर सकते। इतनी हमारे अंदर मतलब खुशी है कि हम आपको क्या ही बताएं। तो आप देख सकते हैं, कम से कम जो हमारे भक्तगण नहीं जा सकते, तो कम से कम फ़ोन के द्वारा ही आप दर्शन कर लीजिए और देखिए आगे
आप महाकालेश्वर की आरती देख रहे हैं, तो बहुत ही आपको दूर से ही दर्शन देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही, मतलब हम लोग पीछे थे ना, क्योंकि आरती के हम लोग जस्ट पहले ही पहुँचे थे, और जो लोग वहाँ पे भक्तगण पहले से ही बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखिए आप, ये हमारे महाकाल की आरती हो रही है, ये उनकी गर्भ गुफा है। और देखिए दर्शन हो गए, अब हम लोग वापस अपने घर के लिए लौट रहे हैं। तो बस थोड़ी सी हम लोग पूरा कॉरिडोर नहीं घूम पाए थे, क्योंकि क्या था ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा घूमने की जगह है, बहुत बड़ा कॉरिडोर बना हुआ है कि हम लोग एक दो घंटे में चाहें तो नहीं मतलब घूम सकते हैं। और आप तो देख ही रहे हैं कि गर्मी, मतलब क्या स्थिति है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस ये मेरा महाकालेश्वर का आपको मतलब वीडियो पहुँचाने का यही था कि आप घर बैठे महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन कर लें, और अपना जीवन भी धन्य बनाएं। और आप लोगों का जाने का मौका मिले तो ज़रूर आप लोग जाएं, हमारा जीवन तो धन्य हो गया दर्शन करके। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये ज़रा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। देखिए अब हम लोग बस वापस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और हम लोगों को आते आते 10:30 बज गया था। घर हम लोग ये समझिए 1:30-2 बजे पहुँचे हैं, और फिर हम लोगों ने रास्ता में खाना खाया, क्योंकि 1:30 बजे घर जाके खाना खाना बहुत ज़्यादा बनाना खाना दिक्कत थी, तो इसलिए रास्ते में खाना खा के हम लोग घर पहुँचे। और ये देखिए मेरी भाभी जी की बुआ हैं, इन्हीं के हम रुके हुए थे, बहुत ही अच्छा लगा। और मिलते हैं चलिए आपके साथ नए वीडियो के साथ। बाय बाय, हर हर महादेव, राधे राधे।